देखिए 2024 के लिए विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया है। 26 पार्टियों को इकट्ठा करके अपने गठबंधन का नाम दे दिया है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम दे दिया अब इंडिया। इनको शायद लग रहा होगा कि लोग चिल्लाएंगे इंडिया इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया जीतेगा, ये वाला फील आएगा। लेकिन क्या नाम बदल देने से नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? मतलब आपने यूपीए को इंडिया कर दिया तो अब क्या इंडिया आपको जो है वो जिता देगा? कल को आप जो है बैंगन को भिंडी बुलाने लग जाइएगा तो बैंगन भिंडी हो जाएगी क्या? कल को आप संतरे को आम बुलाने लग जाइएगा तो संतरा आम हो जाएगा, फलों का राजा हो जाएगा क्या? ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। क्या 26 पार्टियों को इकट्ठा करके इंडिया नाम दे देने से नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सकती है? ये बड़ा सवाल और ये बड़ा चैलेंज खुद विपक्ष के लिए है, क्योंकि मीटिंग कर लेना बड़ी बात नहीं होती, नया नाम दे देना भी बड़ी बात नहीं है, नए नाम पर सबकी सहमति बन जाना ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि देश के लिए विपक्ष का एजेंडा क्या है बॉस, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही एजेंडा सबका दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। और उसके लिए कहानी है कि अर्थव्यवस्था डुबा दिए, दुनिया में चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था डुबा दी। लेकिन ये बात हम बार बार आंकड़ों से भी बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की टक्कर में विपक्ष अभी दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का हर मुद्दा फेल होता जा रहा है। फिर ऐसा कौन सा मुद्दा इन्हें दिख रहा है जिसके सहारे ये जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे, पब्लिक इंडिया इंडिया बोलने लगेगी, ये अभी तक इन्होंने सामने नहीं रखा। यानी हवाबाजी ज्यादा है, मुद्देबाजी कम, क्योंकि चुनाव सिर्फ हवाबाजी से नहीं जीत सकते ना आप। चुनाव सिर्फ मीटिंग कर लेने नाम बदलने से जीते जाते तो हर कोई जीत रहा होता। फिर चुनाव जीतने के लिए नेता का चेहरा भी होना चाहिए, चुनाव जीतने के लिए देश के लिए कोई बड़ा एजेंडा होना चाहिए। विपक्ष ने दो दो मीटिंग कर ली लेकिन अब तक वो ये नहीं बता पाए कि मोदी को हटाने वाले एजेंडे के अलावा देश के लिए उनका कॉमन एजेंडा क्या होगा। वो अब तक ये नहीं बता पाए कि उनके गठबंधन से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। आज बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर सवाल हुआ तो खड़गे ने इस सवाल पर गोलमोल सा जवाब देकर टाल दिया, क्योंकि उनको पता है अभी बोलेंगे तो पता चला अभी ही टूट जाएगा, आगे जाके तो बाद की बात है। और देश को पता होना चाहिए भाई कि अगर नरेंद्र मोदी को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को हटाकर लाना किसको चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, ममता बनर्जी को लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को लाना चाहते हैं? बताइएगा ना बॉस कि इसको हटाओ और इसको लाओ, इसको किसको? नहीं, इसको हटा दो, हम बाद में तय कर लेंगे कि किसको लाना है। ये इनका एजेंडा चल रहा है। मोदी के सामने कौन है इसका जवाब ये आज तक नहीं दे पा रहे, क्योंकि पता है जैसे जवाब देंगे उसके बाद सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो फिर इंडिया कहां है? जब एक चेहरे का नाम आते इंडिया खत्म हो जाएगा तो कौन सा इंडिया आप जुटा के बैठे हो? इस सवाल का कोई जवाब विपक्ष के पास है ही नहीं कि उनका चेहरा कौन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं बता पा रहे, उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा तो सुनिए क्या बोल के निकल गए। ऑन हु वुड लीड दिस अलायंस एंड हु वुड बी द फेस ऑफ इंडिया। आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा और हम उस, वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। यानी अभी एक कन्वेनर बनेगा, एक 11 लोगों की कमिटी बनेगी, फिर वो मुंबई में मिलेंगे और कह रहे हैं चेहरा चुनना कोई बड़ी बात नहीं। अरे नहीं बड़ी बात है तो यहीं बैठे बैठे तय कर देते, जैसे नाम चुने थे इंडिया वैसे ही बता देते नाम कि यही चेहरा होगा, अगर इतनी छोटी बात है। आज बेंगलुरु में विपक्ष ने बैठक की, उधर दिल्ली में आज एनडीए की भी बैठक हुई जिसमें 38 दलों के नेता जुटे। इस बैठक की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। एनडीए की मीटिंग में जब ग्रुप फोटो हुई उस दौरान सभी अलग अलग दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को इस तरह से माला पहनाकर उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मान दिया। तो आप देखिए कि एक तरफ विपक्ष का कुनबा है जिसमें 26 दल हैं लेकिन उनका चेहरा कौन है ये किसी को नहीं पता।
26 पार्टी, जीरो चेहरा। दूसरी तरफ एनडीए के 38 दल हैं, लेकिन उन सब के लिए एक ही चेहरा स्वीकार्य है और वो है नरेंद्र मोदी का। यानी 38 दल एक चेहरा, 26 दल जीरो चेहरा, ये पब्लिक के पास ऑप्शन। वहां 38 दल में कोई ऐसा वो कोई सुगबुगाहट नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई, सबने नरेंद्र मोदी को बीच माला में डाल दिया कि पहनाइए इन्हीं को माला, इन्हीं के नाम से जीतेंगे। उधर अभी वो तय ही कर रहे हैं कि किसके गले में माला डालनी है। इसलिए वहां 26 दल जीरो चेहरा, यहां 38 दल एकलौता चेहरा नरेंद्र मोदी। सोचिए अभी तक जो लोग अपना नेता नहीं तय कर पाए वो सीट शेयरिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को कुर्बानी देनी होगी। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां क्षेत्रीय दलों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाएगा। इस सौदेबाजी में कांग्रेस का ज्यादा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। वो कहेंगे भाई हम तो यही हैं, इसके बाहर तो हमारा कुछ है नहीं, तो हम कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, तुम बाहर जाके लड़ो कहीं कहीं। बाकी के राज्यों में क्षेत्रीय दल कॉम्प्रोमाइज कर भी लें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वहां उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करके क्या ही मदद कर देंगे कांग्रेस की। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी का बंगाल से बाहर कोई प्रभाव नहीं है, तो ममता बनर्जी कह भी दें कि तुम बंगाल में मत घुसो, मैं और कहीं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊं, तो कांग्रेस पलट के कहेगा ना कि आप कहां रास्ते में आइएगा बॉस, आप बंगाल के बाहर हैं कहां जो आप रास्ते में आइएगा। अगर बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट ममता से कॉम्प्रोमाइज कर लेगी तो सीधा ममता बनर्जी को तो फायदा होगा, लेकिन नुकसान कांग्रेस का है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस की कुर्बानी के बदले ममता के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि अगर दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार भी हो जाए तो केजरीवाल के लिए दिल्ली पंजाब से बाहर कांग्रेस को देने के लिए क्या है, कुछ नहीं, जीरो। क्या देंगे वो दिल्ली के बाहर, कहां है कांग्रेस में, कहां है केजरीवाल दिल्ली के बाहर और पंजाब के बाहर। और दिल्ली में भी अगर कांग्रेस हट भी जाएगी तो केजरीवाल 7 सीट जीत जाएंगे क्या लोकसभा की, जब नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा तो जीत जाएंगे। इसलिए अभी बहुत पेच है भाई। इसी तरह से आप यह भी देखिए कि अगर यूपी में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस सब कुछ छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पहले भी गठबंधन हो चुका है, तो क्या ही कर लिए थे आप, वो तो प्रयोग फेल हो गया था। यूपी में 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ लड़ चुके, तब भी यूपी में मोदी को हरा नहीं पाए थे। यानी ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं भाई कि विपक्षी एकता से जगह जगह गठबंधन करके हम नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। मैंने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि बीजेपी 200-225 सीट तो 50% से ज्यादा के मार्जिन से जीतती आई है, तो वहां आप सब जुड़ भी जाइएगा तो भी क्या कर लीजिएगा। लेकिन क्षेत्रीय दल इसलिए इसमें कांग्रेस के साथ लगे हैं क्योंकि उन्हें अपना गढ़ बचाना है, और उन्हें लगता है कि अगर यह गढ़ कांग्रेस की कीमत पर बचता है तो इससे अच्छा उनके लिए क्या है। इसलिए आप देखिए कि बेंगलुरु की मीटिंग में सीट शेयरिंग वाली बात पर भी गोलमोल जवाब दिया। सुनिए एक बार सीट शेयरिंग के मामले पर खड़गे साहब ने क्या जवाब दिया। सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा, और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा, जा कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। खड़गे साहब से जो पूछिए कहते थे ये कोई बड़ी बात है, चेहरा कौन होगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है तय कर लेंगे, सर सीट कैसे शेयर करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कर लेंगे। लेकिन जिसको खड़गे जी छोटी बात बता रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है, आपको इसका उदाहरण देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीट शेयरिंग के सवाल को भविष्य पर टाल दिया, कह के गए छोटी बात है कर लेंगे, कह रहे छोटी बात है, लेकिन वो भी जानते हैं कि अभी इस गठबंधन में कई पेंच हैं। जैसे विपक्ष की बैठक में शामिल हुए सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है, और कल ही कर दिया, कल जब डिनर के लिए गए हुए थे पहुंचे हुए थे वहां खाना खाने के पहले कह दिए कि ना ना ये नहीं होगा, एक थाली में नहीं खा सकते हम लोग। कल सीताराम येचुरी ने कहा कि ममता और सीपीएम एक नहीं होंगे, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों और कांग्रेस के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष दल भी होंगे जो भाजपा और टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे, यह क्या रूप लेगा यह बाद में तय किया जाएगा। तो एक तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लेफ्ट और धर्मनिरपेक्ष दल मिलकर भाजपा को भी हराएंगे और टीएमसी को भी हराएंगे, और दूसरा जब आप कह रहे हो कि लेफ्ट और कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष दल मिलकर टीएमसी को और बीजेपी को हराएंगे, इसका मतलब ये तो टीएमसी को धर्मनिरपेक्ष दल भी नहीं मानते, ये तो टीएमसी को कम्युनल मानते हैं। तो भले खड़गे साहब कैमरे के लिए बोलते रहे छोटी बात छोटी बात, छोटी बात कितनी है वो आपके सामने कल ही आ चुकी,
वैसे विपक्ष की बैठक में कुछ चीजें तय भी हो गई, जैसे पहली बात एकमत से सभी ने गठबंधन का नाम तय कर लिया, बहुत बड़ा काम हो गया, इंडिया चुन लिया। दूसरी बात 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, यह तय कर लिया। तीसरी बात, विपक्ष की अगली मीटिंग मुंबई में होगी जिसमें कमेटी के लिए 11 लोगों के नाम तय होंगे, यह तय कर लिया। चौथी बात, कैंपेन मैनेजमेंट के लिए दिल्ली में एक कॉमन सचिवालय बनाया जाएगा, यह भी तय कर लिया। और पांचवी बात, अलग अलग मुद्दों के लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी, मतलब कमेटी 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 का खेल चलेगा, यह तय हो गया। राहुल गांधी को एक बार सुन लीजिए। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। अपने अपने सियासी फायदे को देश की आवाज की लड़ाई का नाम दिया गया है, क्योंकि देश की आवाज की लड़ाई नहीं बताएंगे तो 10,000 प्रश्नों के जवाब देने पड़े, क्योंकि भाई लोग तो यह भी देखेंगे कि जो नेता मोदी को हटाने के लिए एकजुट होने की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या कहते थे? आज ये नेता एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या बोलते थे? ममता बनर्जी ने आज राहुल गांधी को फेवरेट बता दिया। एक बार सुनिए ममता बनर्जी राहुल गांधी के लिए आज क्या बोली है, फिर याद दिलाऊंगा कि पहले क्या बोलती। अरविंद जी, सीताराम जी, राजा, हेमंत, मान, सीतारामैया जी, रमेश जी, डीके और फेवरेट राहुल गांधी और फेवरेट राहुल गांधी और फेवरेट राहुल गांधी। ममता बनर्जी के फेवरेट हो गए राहुल गांधी। यही ममता बनर्जी राहुल गांधी को क्या कहती थी और राहुल गांधी ममता बनर्जी को क्या कहते थे, पब्लिक भूल जाएगी क्या? इसी साल, ये भी नहीं बहुत पहले की बात नहीं बता रहा हूं, इसी साल मार्च में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। बीजेपी खुद चाहती है कि राहुल विपक्ष का चेहरा बने रहे, राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे, तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ये मार्च में बोली थी, आज कह रही है फेवरेट राहुल गांधी। खुद राहुल गांधी भी ममता बनर्जी को खूब भला बुरा सुना चुके हैं। इसी साल फरवरी में राहुल गांधी मेघालय में बोल रहे थे कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तो बीजेपी की बी टीम है। गोवा मेघालय में टीएमसी की एंट्री सिर्फ कांग्रेस के वोट बांटने के लिए है और जानबूझकर लोगों को धोखा देने के लिए। फरवरी और मार्च के महीने में दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे, अब वहां मंच पर बैठकर फोटो खिंचा रहे और फेवरेट बता रहे, पब्लिक भूल जाएगी। इसी तरह से आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मोदी को हराने का प्लान बना रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लालू के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते थे भाई। आज नरेंद्र मोदी के विरोध के मामले में किसी को कोई कुछ बुरा नहीं लग रहा, बगल में बैठ गए, सब अच्छे लगने लगे। केजरीवाल को लालू के बगल में बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वक्त पर यही केजरीवाल इस बात की सफाई देते फिरते थे कि लालू जी से वो गले कैसे मिल लिए। अरे भाई, एक बार गए थे बिहार, नीतीश जी जीते थे तो वहां शपथ ग्रहण में गए तो लालू जी ने इनको गले लगा लिया। इनको इतनी दिक्कत हो गई कि इनकी भाई मैं कैसे भ्रष्टाचारी वगैरह वगैरह आदमी से मिल लिया, तो सफाई देते थे कि भाई लालू जी से उन्होंने जबरदस्ती हमको गले लगा लिया। आज लालू जी के बगल में बैठे हैं, अभी हाल में एक चार्जशीट दाखिल हुई है लैंड फॉर जॉब मामले में, लेकिन इनको अब कोई दिक्कत नहीं।
सुनिए केजरीवाल लालू जी को लेकर क्या कहा करते थे। कार्यक्रम में नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं गया, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे। आप लोगों ने देखी होगी वो, तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मैंने और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के, हमने गठबंधन नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने भ्रष्ट राजनीति का समर्थन नहीं किया और ना कभी कर सकते हैं। उनकी जो आज तक की भ्रष्ट राजनीति रही है उसका हम ना समर्थन करते हैं और ना कभी हम कर सकते हैं। उनकी जो उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों को मंत्री बना दिया, इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हम भी खिलाफ है और हमारी पार्टी भी खिलाफ है, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसका हम कभी समर्थन नहीं करते और ना हम कभी समर्थन कर सकते। लालू यादव को केजरीवाल भ्रष्टाचारी बताते थे, कहते थे परिवारवाद के खिलाफ है, दोनों बेटों को बताइए मंत्री बना दिया, आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा है कि हम इस परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई ये लोग परिवार वाली पार्टी है, वही केजरीवाल जी कहते थे। और आज देखिए लालू जी के बगल में बैठे हैं, पब्लिक भूल जाएगी क्या? अच्छा, जब लालू जी को इन्होंने कह दिया था कि ये तो जबरदस्ती गले पड़ गए, तब लालू जी ने कह दिया था कि केजरीवाल कोई हीरोइन है जो उसका हाथ पकड़ कर खींच लेंगे। सुनिए लालू जी ने तब क्या जवाब दिया था। नीतीश जी, हम लोग बुला लिया था कि भाई ओथ में आओ, तो आया, तो इसको फिजैया कोई बुला कि लालू यादव कन्विक्ट है, कैसे गए थे? नहीं नहीं, हम नहीं थे, वो लालू जी खींच लिया, फिल्मी हीरोइन थे, कहा कि आपको खींच लिया। ये लालू जी कहते थे केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल कहते थे लालू जी के बारे में। अब ये लोग इंडिया बना रहे हैं। उधर लालू केजरीवाल का मजाक भी उड़ाते थे। एक बार लालू जी ने एक तरह से कह दिया था कि केजरीवाल है कौन। सुनिए क्या बोले थे लालू जी। केजरीवाल है कौन बताइए? केजरीवाल ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है, लोग ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, आ चंदा के पैसा से जल पान करिए। भाषण करते हुए हम लोग को देखते हैं, भाषण करते हुए हम लोग देखते हैं, क्या उछल उछल करते हैं रे भाई। ये लालू जी के भाव थे श्री केजरीवाल जी के बारे में। आज दोनों बगल बगल बैठे हैं, इंडिया बनाए।